उसके बाद है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कुछ इसके सब टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्टार्ट करें ट्री डायग्राम से। देखो, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट है, वो तीन तरीके से स्कूल जा सकता है। कैसे? या तो वो बाइक से जाएगा, या वो वॉक करके जाएगा, या वो कार से जाएगा। बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं 0.3, वॉक करके जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कार की प्रोबेबिलिटी नहीं देता तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर, बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, एंड अगर दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है तो मैं तीसरी फाइंड कर सकता हूँ 1 से माइनस करके। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.1, यानी बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3, वॉक करके जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6, एंड बाय कार जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1। ये जो है ये मेरा फेज 1 है, ठीक है? मेरे टोटल इवेंट का ये फेज 1 है कि बॉय स्टूडेंट इतने तरीकों से किसी भी एक, ऑब्वियसली तीन में से किसी एक तरीके से वो स्कूल पहुंच जाएगा। अब मेरे सिनेरियो का फेज 2 क्या है कि जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो उसके साथ दो काम होंगे, या तो वो लेट होगा या तो वो लेट नहीं होगा। अब अगर वो बाइक से जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है? नहीं, उसको कम कर दीजिए, 0.4 है। अगर वो बाय वॉक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है कि वो लेट हो जाएगा, तो बोल देते हैं 0.7%, 70% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। अच्छा, कार से जा रहा है तो ऑब्वियसली कम चांस है कि वो लेट होगा, तो हम 0.2 रख देते हैं, ठीक है? अब अगर बाइक से जाने में लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो लेट ना होने की क्या होगी? सर 1.04, 1 माइनस 0.4. 1 माइनस 0.4, 0.6। वॉक से जाने जा रहे हैं तो लेट 0.7, नॉट लेट 0.3। कार से जा रहे हैं तो 0.2 एंड 0.8। ये मेरे सिनेरियो के दो फेजेस हो गए कि फेज 1 में वो स्कूल पहुंचा किसी भी एक तरीके से, इधर बाइक, वॉक और कार। अब फेज 2 में स्कूल पहुंच गया, बाइक से लेट हुआ या वॉक करके लेट हुआ या कार से लेट हुआ। अब मुझे बनानी है इसकी ट्री डायग्राम। अब मैं अपने ये दोनों फेजेस ड्रॉ कर लूंगा। फेज 1 क्या है कि वो बाइक से जा रहे हैं या वो वॉक करके जा रहे हैं या वो बाय कार जा रहे हैं। बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी हमने बोली थी 0.3, 0.6, 0.3, 0.6 एंड 0.1। अब जब वो बाइक से चला गया तो या तो वो लेट होगा या वो लेट नहीं होगा, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.4, ना होने की 0.6। इसी तरह जब वॉक करके गया तो लेट होगा या लेट नहीं होगा, ये डैश का मतलब नॉट होता है। कार से लेट होगा या लेट नहीं होगा, ये मैंने बना दी अपनी ट्री डायग्राम। अच्छा, अब पार्ट टू में क्या बोलता है? पार्ट टू में बोल रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स लेट
मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो स्टूडेंट है ये लेट हो जाए। अब इसने मुझे ये नहीं बताया कि बाइक से लेट हो या वॉक से लेट हो या कार से लेट हो, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेंगी कि बाइक से लेट हो या वॉक करके लेट हो या कार से लेट हो। तो बाइक से जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी 0.3, और बाइक से लेट हो रहा है, बाइक से जा रहा है एंड फिर लेट हो रहा है, तो 0.4। अभी मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं लगा रहा, वो चीज़ समझानी है, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूँ। वॉक से जा रहा है लेट हो रहा है, तो वॉक से जा रहा है 0.6, लेट हो रहा है 0.7। कार से जा रहा है 0.1, कार से लेट हो रहा है 0.2। अब ये मेरे पास तीन केसेस बन गए। अब मैं इनके अंदर आपस में मल्टीप्लाई लगाऊं या प्लस लगाऊं, और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको समझने का क्या तरीका है, मेरे पास टोटल इवेंट क्या है, मेरे पास एक इवेंट क्या है कि स्टूडेंट गेट्स लेट। जब तक मेरा स्टूडेंट लेट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं प्रोबेबिलिटीज के बीच में मल्टीप्लाई लगाता रहूँगा। जब तक मेरा स्टूडेंट लेट नहीं हो जाता किसी भी तरीके से, तब तक मैं अपनी प्रोबेबिलिटीज के बीच में मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अब यहाँ पे जब मैंने बाइक की प्रोबेबिलिटी लिखी 0.3, तो क्या स्टूडेंट लेट हो गया है? नहीं हुआ, अभी तक उसने सिर्फ चूज किया है बाइक से जाना। लेट कब होगा? यहाँ पे आके लेट होगा। तो ये 0.3 और 0.4 के बीच में मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा? सर मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होके एक पूरा इवेंट कंप्लीट करेंगे, इस वजह से मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाऊंगा। इसी तरह वॉक करके गया, अभी तक लेट नहीं हुआ, 0.7 लेट होने की प्रोबेबिलिटी है, अब लेट हो गया, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई। लेकिन अब ये इंडिविजुअल सारे केसेस के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे एक दफा वो लेट हो चुका है, इवेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये लेट हो गया, यहाँ पे ये लेट हो गया, तो ये डिफरेंट केसेस हैं लेट होने के। तो हर केस के बीच में हम प्लस लगाएंगे कि एक इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी इवेंट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे भी इवेंट कंप्लीट हो गया है। तो जब तक इवेंट कंप्लीट हो गया है, इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्लस लगाएंगे, एंड विद इन इवेंट, इवेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक हम प्रोबेबिलिटीज के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आती है? अगर नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस करो जल्दी से। नो सर, नो इशू। बताओ भाई, सब जवाब दो। मजा आ गया सर। ईमान खदीजा, अच्छा इसकी इसका आंसर बता दो मुझे टोटल ऐड करके। चेक करो भाई साहब। भाई आंसर आ गया सबका, ये चेक कर लो आगे कराना है। अच्छा, अब जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली लेट होने की, तो
अब अगर मैं पूछूंगे भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट गेटिंग लेट, तो इसी तरह मुझे कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 0.56। क्या आ रहा था? 0.56। सर 0.44। सही है। यस, 0.44। आ गया 0.44 सबका? जी सर आ गया। अच्छा, ये हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन करके किया ना सारे केसेस बना के, मुझे ये बताओ 1 - 0.56 क्या होता है? मैंने क्या किया, 1 माइनस लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा फाइनल आउटकम था जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, वो क्या है, इस पूरे सिनेरियो का फाइनल आउटकम क्या है, कि या तो स्टूडेंट लेट होगा या स्टूडेंट लेट नहीं होगा। तो अगर मैं लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुका हूँ तो मैं उसको 1 से माइनस करूंगा तो नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 होती है। तो इसलिए अगर मुझे नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट कर दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? बोलो। जी सर आ गई। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने ओ लेवल मैथ्स में भी चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गोज बाय बाइक गिवन दैट He is late। अब प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है कि अब इसमें दो चीजें हैं, दो बातें हैं। क्या मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट स्टूडेंट गोज बाय बाइक, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है कि स्टूडेंट बाइक से जा रहा है। गिवन दैट, गिवन है कि वो स्टूडेंट लेट भी होना चाहिए, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि स्टूडेंट बाइक से जाए लेकिन साथ साथ लेट भी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है कि स्टूडेंट लेट हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है कि वो बाइक यूज करे, और प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है
कि वो लेट हो जाए. तो जब भी क्वेश्चन में गिवन दैट का वर्ड आ जाता है तो वहां से हमें समझ जाना है कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी. जहां पे गिवन दैट का वर्ड यूज हो जाए इसका मतलब कि यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, जो भी चीज गिवन है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन गिवन. यहां हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड एंड गिवन. सर समझ नहीं आया, इसको दोबारा से समझाएं. देखो उसने क्या बोला कि गिवन दैट ही इज लेट, तो प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है कि स्टूडेंट लेट हुआ है. लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.56. प्रोबेबिलिटी लेट होने की क्या है? 0.56. यानी ये पूरी चीज मेरी क्या बन जाएगी? डिनोमिनेटर बन जाएगा ये पूरा. जो भी गिवन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी डिनोमिनेटर में आ जाएगी. और रिक्वायर्ड क्या है? कि स्टूडेंट बाइक यूज करे. और न्यूमरेटर में क्या आता है? रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन गिवन, यानी बाइक यूज करे लेकिन बाइक के साथ साथ गिवन दैट वाली चीज भी होनी चाहिए, यानी बाइक के साथ वो लेट हो जाए. तो बाइक के साथ लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? बाइक के साथ लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये थी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4. तो ये पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बाइक के साथ लेट होने की, ये मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा. तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखी क्या? प्रोबेबिलिटी लेट होने की. न्यूमरेटर में लिखी प्रोबेबिलिटी बाइक से लेट होने की. तो हो गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.56. यहां से जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा. बात समझ आई? बोलो. यस सर, आंसर 0.32 है. आंसर 0.32 कैलकुलेट कर लो, मान ही आ रहा होगा. इसमें 0.21 भाई, कैलकुलेट कर लो ना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है. यस सर, 0.21 है. ठीक है, समझ आया? एक दफा क्वेश्चन दिखा देंगे जो आपने ऊपर लिखा था. तो मतलब जो भी उन्होंने दिया हुआ होगा, स्पेशली विद द गिवन दैट, दैट विल ऑलवेज बी इन द डिनोमिनेटर. और रिक्वायर्ड जो होगा उसके साथ गिवन वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगी. ठीक है जी सर. अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही यूजेस कार given that he is not late. अब denominator में क्या आएगा? पूरी not late की probability आएगी. not late की probability क्या थी? 0.44. तो ये मेरा आ जाएगा denominator में. and numerator में क्या आएगा? के bike के sorry car के साथ वो not late हो. denominator में क्या आया? not late की पूरी probability
और न्यूमरेटर में क्या आएगा, कार के साथ नॉट लेट। तो कार के साथ नॉट लेट भाई वो कैसे हो रहा है, कार की प्रोबेबिलिटी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.18। हाँ 0.18 आंसर है। ठीक है भाई, समझ आ गई? जी सर। खतीजा क्लियर है? सर क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करो।
क्वेश्चन समझ आ गए सबको या समझाऊं? सर समझा दें एक बार। देखो अच्छा मीटिंग शायद एंड होने वाली, दोबारा ज्वाइन कर लेना। व्हेन डॉन प्लेज टेनिस 65% ऑफ हिज फर्स्ट सर्व गो टू द करेक्ट एरिया। बल्कि यार एक काम करो, बंद ही हो जाएगी बीच में, तुम लोग ज्वाइन कर लो दोबारा, मैं रिस्टार्ट दोबारा कर रहा हूँ।